सो हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यार कि नाटा और जेई जो भी हमारे एग्जाम्स हुआ है, जोसा सीएसईबी जो भी काउंसलिंग अभी खत्म हो गई ऑलमोस्ट। और हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जिसको सीट नहीं मिली है, जिसकी सीट जिसने विड्रॉ कर ली है या फिर किसी भी कारणों से, उनका रिफंड कब आएगा, क्या क्या रिफंड पॉलिसीज है, कितने टाइप्स कितनी कैटेगरी होती है रिफंड के अंदर, और क्या हमारे को रिफंड पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कुछ बीच में खा जाएंगे या फिर होंगे एज ए प्रोसेसिंग फी बीच में रखेंगे आपको, ठीक है। और कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सभी टाइप के स्टूडेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करूं जोसा और सीएसईबी के अंदर की कौन कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं और कितना रिफंड आपको मिल जाएगा और या फिर कब तक मिल जाएगा, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। शुरुआत करते, देखो यार मैंने यहाँ कुछ कैटेगरी लिखी है। सबसे पहले बात करता हूँ नॉट पार्टिसिपेट इन सीएसईबी। अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जिसने जोसा में पार्टिसिपेट किया, जिसने जोसा की सीट को विड्रॉ कर लिया 6 राउंड तक, और उसने सीएसईबी स्पेशल राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ऐसे स्टूडेंट्स पहले वाला। सेकंड नंबर जो है जिसको नो सीट इन सीएसईबी, जिसने पार्टिसिपेट किया सीएसईबी के अंदर पर लेकिन सीट अलॉटमेंट नहीं हुई। थर्ड कैटेगरी जो आती है कि नो सीट इन सीएसईबी इन राउंड वन, जिसको राउंड वन के अंदर सीट अलॉट नहीं हुई एंड चूज नॉट टू पार्टिसिपेट इन राउंड टू, और जो राउंड टू के अंदर नहीं गया। ये तीन कैटेगरी स्टूडेंट्स अगर आप हो तो आपको रिफंड मिल जाएगा बाय डिडक्टिंग रेट्स 2000 एज अ प्रोसेसिंग फी। एक प्रोसेसिंग फी मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग फी मतलब होता है कि 2000 रुपीज आपके सीएसईबी और जोसा काउंसलिंग, ये खुद जो काउंसलिंग, ये जो अथॉरिटी, ये अपने पास रख लेगी क्योंकि इन्होंने काउंसलिंग के अंदर आपको बैठाया है, ठीक है। तो ये अपने पास इनको रख लेगी 2000 रुपीज, तो बाकी जितना भी आपका अमाउंट आपने पे किया था, चाहे वो सीट एक्सेप्टेंस फी हो या फिर पार्शियल एडमिशन फी हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्लियर बात है, ये तो बात हो इसकी तीन कैटेगरी की। अब बात करते हैं नंबर फोर जो है, सीट अलॉटेड इन सीएसईबी राउंड वन एंड डज नॉट रिन रिपोर्ट। राउंड वन के अंदर आपको सीट अलॉटमेंट हो गया पर लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आप हो सकता है भूल गए हो या फिर आपको नहीं चाहते थे सीट लेना, आपने कोई ऑप्शन चूज नहीं किया, आपने रिपोर्ट नहीं किया बस, ठीक है। तो एक छोटी सी गलती हो जाती है यार, रिपोर्ट नहीं करना हमारी तरफ से गलती है अगर आप ऐसे कैटेगरी स्टूडेंट्स हो। या फिर नंबर फाइव जो है सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन राउंड टू। अगर आपको जो सीट मिल गई थी सीएसईबी राउंड वन के अंदर, पर आपने सीट को क्या करा, आपने सीट को सरेंडर कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, और आपने राउंड टू के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया और राउंड टू के अंदर आपको सीट नहीं मिली, ये। या फिर अगर आपने सीट राउंड वन के अंदर मिल गई और आपने सीट को सरेंडर कर दिया और आपने राउंड टू के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, ऐसे वाले कैटेगरी स्टूडेंट्स। नंबर सिक्स जो है सीट कैंसिल ड्यू टू इन एलिजिबिलिटी। इन एलिजिबिलिटी के अंदर मतलब होता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ या फिर आपको कोई गड़बड़ी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर, ठीक है, इन एलिजिबिलिटी के कारण ही हो सकता है ये। अगर ये तीन कैटेगरी के स्टूडेंट्स है कोई अगर हो आप, तो आपको भी रिफंड मिल जाएगा, पर लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी हमारी टाइप मिस्टेक हो सकती है क्योंकि यार रिपोर्ट नहीं करना मिस्टेक हमारी होती है, या फिर हमको सीट मिल जाना पर लेकिन तो भी हम उसको सरेंडर करके आगे चल जाते हैं, तो थोड़ी सी गलती कहीं ना कहीं हमारी मानी जाती है, या फिर सीट कैंसिल ड्यू टू इन एलिजिबिलिटी, हमारी इन एलिजिबिलिटी कारण गलती हमारी मानी जाती है। तो ऐसे केस के अंदर रिफंड मिल जाता है पर लेकिन आपको 6000 रुपीस काट लिया जाएगा, 6000 रुपीस तक आपको एज ए प्रोसेसिंग फी काट के उनके पास रखी जाएगी, बाकी का पूरा आपको दे दिया जाएगा, नो टेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक निकल कर आता है कि ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनको सीएसईबी के राउंड टू के अंदर, सीएसईबी के दो राउंड होते राउंड वन राउंड टू, तो राउंड टू के अंदर आपको सीट मिल गई थी और वो सीट आप नहीं लेना चाहते हो, तो अगर आपने नहीं लिया या फिर उसके लिए आपको रिपोर्टिंग नहीं की राउंड टू वाली सीट के लिए, वो आपने अगर कैंसिल कर दिया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि यार देखो सीएसईबी के अंदर लास्ट काउंसलिंग होती है और सीएसईबी का राउंड टू पूरी काउंसलिंग का लास्ट राउंड होता है। अब इसके अंदर क्या होता है ना कि यार लास्ट राउंड के बाद कोई काउंसलिंग नहीं होती, तो अगर आप यहाँ पर कोई सीट छोड़ते हो, कोई सीट नहीं लेना चाहते हो, तो वो सीट हमेशा के लिए खाली रहती पूरे साल भर, क्योंकि बाकी तो कोई काउंसलिंग हो ही नहीं रही है। तो ऐसे वाले स्टूडेंट्स को रिफंड नहीं मिलता है क्योंकि एज उनकी गलती है कि यार वो लेना नहीं चाह रहे और फिर कोई काउंसलिंग भी नहीं है, तो राउंड टू के बाद सीट छोड़ने वालों को रिफंड नहीं मिलता है, ठीक है। या फिर कोई इन एलिजिबिलिटी के कारण भी वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो राउंड वन तक अगर आपको ये केसेस आपको हैं तो आपको सीट रिफंड मिल जाएगा, बात ज्यादा समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं 2000 और 4-6000 का मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं नाटा वाली, तो देखो नाटा के अंदर क्या अलग अलग स्टेट वाइज काउंसलिंग होती है। अब नाटा के अंदर हम जानते हैं कि यार हर एक स्टेट हर एक अपना अपना अलग अलग कॉलेज की काउंसलिंग कराता है। फॉर एग्जाम्पल एमपी यूपी राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, तेलंगाना, जो भी कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, कुछ भी है, सबके अलग अलग काउंसलिंग हुई थी हम जानते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि हर एक गवर्नमेंट का अपना अलग अलग रूल्स होता है, पर लेकिन ये बात है कि जो भी गवर्नमेंट जिस भी अगर आपको सीट नहीं मिली किसी भी राउंड के अंदर या फिर आप सीट विड्रॉ कराइए किसी भी स्टेट काउंसिल में किसी भी राउंड में, तो आपको रिफंड मिल जाएगा क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो होता है गवर्नमेंट वो रिफंड कर देती है, क्योंकि यार होना भी चाहिए, रिफंड होना भी चाहिए, क्योंकि सही बात है रिफंड होना भी चाहिए। जिसको सीट नहीं मिली तो यार उसकी तो क्या ही गलती, तो रिफंड तो उसके हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। पर लेकिन हाँ, जो इनका अमाउंट जो ये अपने पास रखते हैं कुछ जो अमाउंट डिटेक्ट करते हैं जो एज ए प्रोसेसिंग फी प्रोसेसिंग चार्जेस,
वो हर एक का अलग अलग होता है, हर एक का रूल्स वाइज अलग अलग गवर्नमेंट वाइज से होता है, ठीक है। एमएसटी सीईटी के अंदर भी लिखा था तो वो सब की वहां भी रिफंड हो जाएगा, तो सब जगह रिफंड हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो रिफंड की टेंशन आप मत देना, ठीक है, रिफंड हो जाएगा अगर आप सीट नहीं मिली या फिर आपने सीट छोड़ दी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि यार ये सब कुछ सब बात यहाँ तक पूरी बात क्लियर है, ये सब कुछ बात सुन में आ गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया ये सब कुछ तो ठीक है, अब ये बताओ रिफंड मिलेगा कब। हमारा सबसे बड़ा सवाल तो ये कि रिफंड कब मिलेगा, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड कब आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि जैसे आपने फॉर्म फिल किया था, जब आपने पार्टिसिपेट किया था, जैसे सीएसबी के अंदर जब आपने पार्टिसिपेट किया था तो आपने बैंक डिटेल फिल करी होगी, तो बैंक डिटेल इसीलिए भराई जाती है ताकि आपको भी रिफंड करना हो तो उसके अंदर बैंक डिटेल के अंदर आपको रिफंड पूरा कर दिया जाए, ठीक है, बैंक के अंदर। तो जो आपका जो रिफंड है इसकी डेडलाइन अगर मैं बात करूँ ना मोटा मोटा, तो मैंने लिखा है 3M, 3M मतलब 3 मिलियन नहीं है, 3 मिलियन के अंदर तो बहुत टाइम है, 3M का मतलब होता है कि 3 मंथ्स, 3 महीने, 3 मंथ्स के अंदर आपको आपका रिफंड मिल जाता है, 3 मंथ्स के अंदर अंदर मिल जाता है, ठीक है। हो सकता है किसी को 1 महीने में मिल जाए, किसी को 2 महीने में मिले, किसी को 3 महीने में मिले, यानी कि पूरा जो रिफंड का प्रोसेस है वो 3 महीने तक चलता है और 3 महीने तक खत्म हो जाता है, तो आपको कभी मिल सकता है। तो 3 महीने तक आपको इंतजार करना, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। अगर स्टार्टिंग में 2 महीने भी ना मिले रिफंड तो टेंशन मत लेना, लास्ट के महीने में आपको सकता मिल जाए और मिल जाता है 100%। अभी इतिहास है, हिस्ट्री है, जिसको भी अगर ऐसा केस हुआ है तो सबको रिफंड मिल गया, ठीक है, ऐसा कोई रिफंड आपको जाए नहीं, गए नहीं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं 3 महीने के अंदर, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है भैया ये बात, तो इसमें क्या होता है ना, पहले से पहले मैंने बात करी पहले जो जोसा वाले स्टूडेंट्स है, तो जोसा की जो कैटेगरी है, जिस जिसने जोसा में 6 राउंड तक सीट को विड्रॉ किया पहले, उन वाले स्टूडेंट्स को रिफंड मिलता है, मतलब कि रिफंड लाइन वाइज मिलता है। जिसने पहले सेकंड राउंड में विड्रॉ की तो पहले उसको रिफंड मिलेगा, फिर थर्ड वालों को, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसा लाइन वाइज चलता है, ठीक है, क्योंकि यार उसने पहले उसका प्रोसेस चल रहा है तो पहले उसको पूरा करना ही पड़ेगा। तो स्टार्टिंग के महीने में जोसा वालों को टाइप मिल जाता है, फिर बाद में बात करूँ तो सीएसबी के राउंड 1 के वाले मिल जाता है ऐसा करके सेकंड वाले मंथ में, फिर राउंड 2 ऐसा करके, तो लाइन वाइज चलता है स्टूडेंट्स का रिफंड का पूरा प्रोसेस चलता है, तो लाइन वाइज आपको मिल जाता है, तो 3 महीने तक ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो घबराने वाली जरूरत नहीं है, आपका रिफंड आ जाएगा आपके बैंक के अंदर, बस वेट करना होगा, और वेट भी क्या करना है, बस डायरेक्ट आ जाएगा, वेट कुछ नहीं करना, नो टेंशन। आपको ऐसा कुछ आपको कोई एक्शन नहीं लेना, कोई बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि भैया क्या मुझे इसके लिए कुछ करना है, मेल करना है या किसी को कॉल करना है रिफंड के लिए, नहीं करना, कुछ नहीं करना, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, कौन सी सीट आपने विड्रॉ करी है या नहीं करी है, पूरा रिकॉर्ड उनके पास है और पूरा सब कुछ आपको मिल जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि यार वो ये जाते जाते रिफंड वगैरह ये जो भी रूल्स है ये सब चीज़ तो पूरी होगी, इसकी टेंशन मत लो। जो भी आपकी करियर की शुरुआत कर रहे हो, नई शुरुआत कर रहे हो या फिर नया ड्रॉप ले रहे हो, नई तैयारी कर रहे हो, पूरा मन लगा के करो, नए कॉलेज के अंदर हो, जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसकी तरफ अपने जाकर क्रैक करो, चीज़ों का एक्सप्लोर करो, अपनी लाइफ के अंदर कुछ अलग करो, कुछ अच्छा करो, अपना पूरा टाइम को यूटिलाइज करो, अपॉर्चुनिटी को देखो क्या उनको से अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, अवेलेबल है, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करो, टाइम का हर एक मिनट की कीमत समझो, तब आपने आपके अंदर लाइफ को एक रंगीन बना लोगे। और ये जो जिसको कोई होता ना दुख होता है कि भैया मुझे वो कॉलेज नहीं मिला, मुझे वो सीट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, नो टेंशन यार, लाइफ के अंदर सीट मिलना, अच्छा कॉलेज मिलना ही लाइफ या अच्छी बनाना नहीं होता, या फिर यहाँ तक लाइफ खत्म नहीं हो जाती, लाइफ बहुत बड़ी है, ये तो जस्ट एक पार्ट एग्जाम्स का, ठीक है। तो यार ये कोई बड़ी बात नहीं होती, जो भी चीज़ आपके पास है अवेलेबल है, जो भी कॉलेज आपके पास है, जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी तैयारी आपके पास कर रहे हो, जिसके अंदर कर रहे हो, पूरा फोकस करो, 100% उसके अंदर फोकस करके काम करो, करंटेड आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, टेंशन नहीं लेनी बस, ठीक है। हंसते हुए काम करो, अपने आप पे विश्वास रखो, आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, यू आर यूनिक, आप यूनिक हो दुनिया में, कोई नहीं है आपके जैसा, बस अपने आप पे विश्वास रखो और काम करते रहो, रिजल्ट आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। तो इसके साथ इस वीडियो को ही खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना हमेशा ध्यान रखो, जय हिंद, वंदे मातरम।